बड़ी खबर आ रही है बिहार के केवटी से, जहां पर एक महिला की लाश एक डबरे में मिली है। सामने जो दृश्य आप देख सकते हैं, ये पता भी नहीं चल सकता है कि इसमें किसी की लाश रखी हुई है। बता दें, एक महिला की लाश इसमें मिली है, सिर्फ और सिर्फ हाथ महिला का दिख रहा था, जिस वजह से ग्रामीणों का नजर वहां पड़ा और महिला की लाश सुबह सुबह निकाली गई है। बता दें, पूरा मामला बिहार के केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर का है, जहां पर ये एक गमछा और एक दो चप्पल मिला है, जो एक महिला का है और एक पुरुष का है। पुरुष का यहां पर कुछ भी नहीं मिला है, चप्पल के अलावा हो सकता है मर्डर करके जो है जो पुरुष था वो भाग गया होगा, या ये तो जांच की विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, दुखद खबर आ रही है केवटी से, बाढ़ पोखर के एक यहाँ पर जो कुंभी था, उस कुंभी में महिला की लाश को छुपा दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। गुरुवार को अहले सुबह थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर में एक महिला की गला रेती लाश देखे जाने की जानकारी से इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी सुना, सब बाढ़ पोखर की ओर यहाँ पर दौड़ गए। बता दें, घटनास्थल के आसपास सैकड़ों लोग जमा हो गए, लेकिन पानी में कुंभी से अधढकी लाश की पहचान कोई नहीं कर पा रहा था। सारी ब्लाउज और बांह साफ दिख रहा था, जिसके कारण लाश महिला की है यह पहचान तो हो रहा था। घटनास्थल लालगंज पंचायत क्षेत्र में है। घटनास्थल पर लोगों ने बताया है कि सुबह शौच के लिए आए लोगों ने पहली बार लाश को देखा है और लौटकर लोगों को जानकारी ही दी है। देखते देखते जंगल की आग की तरह ये फैल गई। इलाके के 15 से 20 गांव के लोग यहां पहुंच गए, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना को यहाँ पर नजरअंदाज करते हुए लोग बिना मास्क के रहते हैं। खैर, ये यहाँ की बात नहीं, सभी जगहों पर ये बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। लोगों ने ये तो जरूर भूल गया है कि कोरोना था 2 महीने पहले, लोग मरे हैं इतने सारे, लोगों को ये चीज तो जरूर याद नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस घटना की, यहाँ पर सूचना पर जो BDO महताब अंसारी है और थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव, दरोगा नरेश पासवान, दलबल के संग यहाँ पर पहुँच कर इलाके के चौकीदार मोहम्मद इशाक के सहयोग से पानी से लाश को निकलवाया है। महिला की गला किसी धारदार हथियार से रेती हुई है, ये जरूर प्रतीत होती है महिला के कि हो सकती है महिला गर्भवती हो। लेकिन ये भी जानकारी आपको बता दें कि एक गमछा मिली है और यहीं पर एक ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है किसी ने यहाँ पर बुलाया होगा महिला को और हो सकता है यहाँ पर गला रेत कर हत्या कर दिया गया हो। लेकिन आपको बता दें कि मृतक महिला की उम्र 35 से 40 वर्ष यहाँ पर बताई गई है और पहली नजर में वह गर्भवती लग रही है। उसके बाएं हाथ में लिखा गया है गोदना में बिपिन मांझी, लिखने का प्रयास गोदना लिखने वाले ने किया है जो खूब स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मृतक के दोनों हाथ में चूड़ी, नाक कान में टॉप्स, पैर में बिछिया पाए गए हैं। घटनास्थल से एक जोड़ी पुरुष का हवाई चप्पल, एक जोड़ी महिला चप्पल, एक गमछा पुलिस ने बरामद कर लिया है। पानी में लाश निकाले जाने के बाद लाश को पहचान के लिए करीब 1 घंटा रखा गया है, फिर थाना पर भी पहचान हेतु रखा गया है, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। बाद में पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम हेतु DMCH भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि चौकीदार के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। इसे इस कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। खबर देखने के लिए आप फेसबुक पेज ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान पर जा सकते हैं, ये देख सकते हैं। दलबल के साथ यहाँ पर घटनास्थल पर लोग आ रहे हैं, पुलिस बल के जवान हैं, BDO हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दें, हजारों की संख्या में लोग यहाँ जमा हो गए। भारत उदय समाचार आप सभी लोगों से अनुरोध करता है, किसी अनजान जगह पर ना जाएं, किसी अजनबी से ना मिले, अपनों को पहचानें, अपनों से प्यार करें, या किसी भी चीज़ में गलत धंधे में गलत काम में ना पड़े, जिससे कि आपकी जान जा सकती है। आजकल वो समय नहीं रहा जिस वजह से लोगों की जान जा रही है, आप समझ सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। महिला का क्या कसूर होगा, ये तो जांच का विषय है। देखिए कितने लोग यहाँ पर मौजूद। तालाब में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है जो गला रेता हुआ था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने लाश को बरामद किया और शायद पोस्टमार्टम वगैरह के लिए लाश को ले गया है। और हम थाना प्रभारी से या जिला प्रशासन से मांग करते हैं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन मांग करता है कि जो दोषी इसमें सम्मिलित है उसमें सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के बाद स्पीडी ट्रायल चलाते हुए उसकी फांसी की सजा की हम लोग मांग करते हैं। क्या महिला की पहचान हो पाई है? जी नहीं, महिला की पहचान नहीं हो पाई है। और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति यदि महिला को जानते हो तो आप थाना को इन्फॉर्म करें या तो सोशल मीडिया पर आप डालें, जाके उस महिला का पहचान हो सके। क्या लगता है आप लोगों को, किस तरीके की मतलब मामला क्या लगता है?
मुझे तो लग रहा है जो जिस तरह से बिहार में दिन दहाड़े आप देख रहे हो चनौर का घटना हो गया है, बगल में राहुल झा का दरभंगा मिर्जापुर में जो मृत्यु हो गया है, तो लगातार ये जो आतंक का तांडव है लगातार मचा रहा है। ये भी कोई साजिशन घटना हो सकता है और व्यक्ति ज्यादा कुछ तो आप लोग नहीं बता सकते हैं, जाँच के बाद पता लगेगा किस तरह के मामला। क्या नाम है? नाम अमित कुमार मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, पूर्व जिला सचिव। धन्यवाद। अभी तो लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, हम ये चाहते हैं कि सही जांच हो, न्यायपूर्वक जांच हो और हत्यारा बचे नहीं, उसके लिए जहां तक हम लोग के सहयोग की अपेक्षा होगी हम लोग मदद को तैयार हैं, लेकिन सही अनुसंधान होना चाहिए कि इस तरह निर्मल हत्या किसी की मानव का किया गया है जो से अशोभनीय है और उसकी काफ़ी निंदा करते हैं। मुखिया जी, घटना कब की है या फिर लाश निकाला गया पुलिस के द्वारा? अभी तो भाई हम तो वहाँ गए थे नहीं, लोगों ने बताया है कि बड़ी अभी शायद वहाँ निकाला गया। ऊपर रखा जाएगा स्किन, उसका साफ होने दीजिए। भाई, 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 भाई